को आप जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जो है खोल सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। ये देखिए जहाँ पर इसके चूड़ी लगी हुई है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। जहाँ से आप ऊपर से लगा दीजिए और इसके नीचे से जो है आप चूड़ी टाइट कर दीजिए, उससे जो है ये सील आराम से फिट आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको नीचे से अब आपने जस्ट चूड़ी टाइट करनी है। चूड़ी इसकी नीचे से टाइट करके आप इसको बाद में इसका स्पिनर लगा के आप इसको बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। और इस तरह आप आसानी से एक जो है नॉर्मल सील फिट कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी कमेंट हो तो आप नीचे लिखिए और मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक वॉशिंग मशीन जो होती है उसकी हम जो सील है वो कैसे चेंज करते हैं। फ्रेंड्स, सील जो होती है वो कई प्रकार की होती है। एक तो पहले जो लॉक वाली सील होती थी बहुत ही, आजकल जो नई सील आ गई है इसके, ये देखिए हम जो है नीचे चूड़ी लगी हुई है और हम जो चूड़ी को है घुमा के टाइट कर देते हैं। इसको इंस्टॉल करना जो होता है बहुत ही ईजी होता है। पहले लॉक वाली होती थी वो एक साइड से लॉक बैठते नहीं थे, वो परेशानी होती थी। सर्दी में जो प्लास्टिक का बहुत हार्ड हो जाता था उसको फिट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आजकल ये जो सील आ गई हैं बहुत ही बढ़िया हैं, इनको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी रहता है और इनकी जो क्वालिटी है वो भी बढ़िया है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉशिंग मशीन की बैक साइड पर जाएंगे। जब मैंने बैक कवर जो है ऑलरेडी इसका खोल रखा है, बैक कवर खोलने के बाद आप नीचे देख रहे हैं वो देखिए इस पर पुली लगी हुई है। पुली में जो ऊपर वाला स्क्रू होता है हमने उसको खोलना होता है, वो मैंने खोल दिया है। खोलने के बाद हम इसका जो ऊपर का स्पिनर है उसको बाहर निकालेंगे। ये एक वर्लपूल की वॉशिंग मशीन है, ये इसकी स्पिनर की मोटर लगी हुई है और इस साइड पे इसके वॉश की मोटर लगी हुई है जो कि ये बेल्ट है, और बेल्ट के साथ वो देखिए नीचे गियर बॉक्स लगा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो स्पिनर है उसको निकाल लेते हैं। नीचे पुली को खोल के हम ये इसका जो स्पिनर है इसको घुमा के हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए इसकी जो सील है बीच में टूट चुकी है, ये देखिए जहाँ से फट गई है। ये जो सील फट गई है हम इसको निकालेंगे और वहाँ पर जो है नई सील इंस्टॉल करेंगे। आप देख रहे हैं आधी सील बीच में है। ये देखिए सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको पुल करके निकाल लेंगे। ये देखिए एक वर्लपूल बेस्ड लॉक वाला जो पहले प्लास्टिक का सील डली हुई है, ये जो लॉक वाली होती थी ये भी इंस्टॉल करनी इजी होती थी ये पहले वाली, क्योंकि ये वर्लपूल में एक मॉडल थे इसमें सील जो नीचे से ऊपर को डलती थी, ये वही वाला मॉडल है। आप ये देखिए लॉक ऊपर है, ये देखिए, और ये नीचे से डली हुई है। इसको हम हल्का सा पुश करेंगे वो देखिए नीचे चलेगी, नीचे चलेगी और अब नीचे से निकल जाएगी। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वो देखिए
सील वहाँ पर पड़ी है। ये देखिए, ये थी वाल्व फूल की जो नीचे से लॉक लगते वो वाली सील। वैसे मोस्टली जो सील्स होती हैं वो ऐसे लगाते थे, लेकिन वाल्व फूल में एक मॉडल थे। ये देखिए मॉडल भी आपको दिखा देता हूँ कौन सा था, छः वाला 5.9 किलो का सुपर एक्सेल इसका नाम है और 5.9 kg का ये वेट उठाती है। इसमें ये एकमात्र ऐसी सी वॉशिंग मशीन थी जिसमें सील जो नीचे से ऊपर को लगाई जाती थी। तो चलिए अब हम इसको जो है इसकी सील जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले उसको अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वहाँ पर कचरा होगा तो आपकी सील जो पूरी नहीं बैठेगी और आप बाद में लीकेज का वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। चलिए फ्रेंड मैं साफ कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने जो इसको है कपड़े से अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब मैं इसकी जो सील है वो इंस्टॉल करूँगा। जब मेरे पास एक गोदरेज की सील है है फ्रेंड्स, वो सील आप देख सकते हैं।